हेलो, आज हम बताने जा रहे हैं वो इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें, वो पूरा इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लिंक को जो है ओपन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप इसको क्लिक करके यहाँ पर आप डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें शेड्यूल दिया हुआ 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में ही फिलअप करना है। इसमें 200 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, और यदि इसके बाद करते 31 से तो आपको फाइन लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑन द टाइम कीजिए ताकि आप लेट फी से बच सके। ठीक है ना, हम क्या करते हैं प्रोसीड करते हैं आगे के लिए। तो नीचे जैसे स्क्रॉल की यहाँ पर जो है चेकआउट कर लीजिएगा और उसके बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन। ओके, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर है, प्रोग्राम है और सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर है, उसका सिक्योरिटी कोड है, उसका क्लिक कीजिएगा सबमिट पर तो वो पेज खुल जाएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जो कि आपका नेम होगा, आपका इनरोलमेंट नंबर होगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एड्रेस चेक करना है और डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ है, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब को फिल कीजिएगा। राइट, हाँ, फिल करने के बाद फिर आपके पास आता है कोर्स कोड। ठीक है, कोर्स कोड आप अच्छे से भरिए क्योंकि जो भी कोर्स कोड यहाँ पर फिलअप कीजिएगा उसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपके पास जितना भी पेपर सबका जो है लिस्ट आ रहा होगा यहाँ पर कि ड्रॉप लिस्ट, इस पर क्लिक करते जाइएगा, टोटल जितना भी पेज है वो आपको चेकआउट कीजिए यहाँ से। ठीक है, हाँ, आप क्या कीजिएगा, जितना भी पेज आप सिलेक्ट करने में जितना भी पेपर है उसको सिलेक्ट करके फिर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। राइट, बिफोर सबमिट पर क्लिक करने से पहले आप पर चेक कर लीजिएगा जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल की है सही है कि गलत है। ठीक है, एक बार चेक करने के बाद तब प्रोसीड होइएगा। सबमिट करने के बाद एक पेज आएगा जो कि आपको बताएगा क्या क्या आपने फिल किया, एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पर। और उसके बाद कार्ड जो पेमेंट होती है उसको सिलेक्ट करना है, किससे आपको पेमेंट करना है। राइट, टोटल यहाँ पर कितना है 1800 रुपीज़। राइट, तो 1800 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। राइट, आपको वेरी कर सकता है पेपर टू पेपर, यदि जितना भी पेपर है उसका सबका पेपर को आपको मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो यदि 5 पेपर है तो 1000 हो जाएंगे। यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए किस बैंक से करना चाहते हैं आप। ठीक है, उसके बाद पे नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर आपके पास जो है एक ट्रांजेक्शन रेफरेंस आ जाएगा जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, फिर आपका जो इनरोलमेंट नंबर सब चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही कि गलत है, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सिलेक्ट करने का होता है किस डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपका कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, जैसे क्लिक किया मैंने इसमें देखने को मिला कि प्रोसेस हो रहा है योर पेमेंट। ओके, तो इसको वेट करना है, समटाइम्स OTP आएगा आपके मोबाइल में। जैसे पेमेंट पर क्लिक किया ये जो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद देखते क्या होगा। हाँ, ये आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, इसका मतलब कि आपने जो पेमेंट किया वो सक्सेसफुली हो गया है और आपका जो डन हो गया। थैंक यू, आपका जो ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।